यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुभाष यादव संघर्ष करो। कि वहाँ से समाजवादी पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि थे, वह उनको जो मौका मिला उसमें जनता के अनुरूप वो नहीं उतरे, जिसके चलते उनका काफ़ी विरोध था। और यह बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के यहाँ तक यह सूचना थी, और उसके बावजूद जनता के विरोध को ध्यान में नहीं रखते हुए पुनः उसी बाहरी प्रत्याशी को थोप दिए द्वाबा के जनता को, जो जनता को पसंद नहीं थी। तो मैं जनता के सम्मान के लिए और बाहरी भगाओ के अभियान में जनता के साथ शामिल होते हुए मैं यह बहन कुमारी मायावती जी से जब अपना निवेदन किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, और जनता के सम्मान में, जनता के सम्मान को बचाने के लिए मैं यह चुनौती स्वीकार किया हूँ। उम्मीद है भगवान मुझे सफल करे। बाहरी आज के डेट में सब बाहरी हैं, समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी बाहरी है, भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी बाहरी है, कांग्रेस का भी प्रत्याशी बाहरी है। लड़ाई बाहरी और भीतरी की है, इसलिए कि द्वाबा में क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो वहाँ के मूल निवासी को मौका दिया जाए सेवा करने का? बाहरी लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? द्वाबा की धरती तो अब इतनी ऊर्जावान है, वहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि और समाज सेवी तैयार हुए हैं, जिसमें जयप्रकाश जी हैं, जिसमें तारकेश्वर जलेश्वर मिश्रा जी हैं। ये लोग उस भूमि से आते हैं, और वह भूमि इतना ऊर्जावान है कि वहाँ आज भी ऐसे लोग हैं कि बाहरी लोगों से अच्छा वहाँ जनप्रतिनिधित्व तो कर सकते हैं, और उनको नहीं मौका देने के कारण जनता उबाल में है। और मैं निश्चित रूप से जनता से यह उम्मीद करता हूँ कि जनता मुझे अपना आशीर्वाद देकर 2022 में अपना जनप्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस यादव संघर्ष करो, हाँ।